एरो आवी, एरो आवी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। मैं प्यारी सी ऐमन का साथी हूँ, हरदम उसके साथ नजर आता हूँ, और वक्त के साथ साथ हम दोनों बड़े हो रहे हैं। मेरी और ऐमन की दोस्ती की ये प्यारी सी कहानी सुनिए। कहानी का शीर्षक है ऐमन का बस्ता। ओरिजिनली उर्दू कहानी के लेखक है मजहर अहमद, हिंदी में अनुवाद किया है राजेश खर, और चित्र बनाए हैं 211 स्टूडियो। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। मैं ऐमन का बस्ता हूँ, मैं ऐमन का साथी हूँ। ऐमन सुबह उठती है और स्कूल जाने की तैयारी करती है। मैं एक कोने में मौजूद उसकी तैयारी पर नजर रखता हूँ। मैं मन ही मन खुश होता हूँ कि कुछ ही देर बाद मैं भी तैयार हो जाऊंगा। ऐमन हर सुबह मुझे अपनी पीठ पर लादे स्कूल के लिए निकलती है। उसकी रफ्तार से मेरा दिल बल्लियों उछलता है। गली में मैं उसकी पीठ की सवारी करता हूँ और बस में मैं उसकी गोद में होता हूँ। ऐमन मुझसे प्यार करती है। स्कूल के रास्ते में मुझे और बस्ते भी मिलते हैं। हम एक दूसरे का हाल पूछते हैं और हंसते गाते हैं। हम उछलते कूदते बच्चों के साथ स्कूल जा पहुँचते हैं। ऐमन मेरे अंदर कुछ रंग बिरंगी किताबें, कापियाँ, पेंसिल, रबड़ और हाँ खाने का डिब्बा भी रखती है। अक्सर ये तमाम चीजें उलट पलट हो जाती है। ऐमन मुझे अपने कंधे पर उठाए उछल कूद करती है, भागती दौड़ती है। मैं हर पल उसका साथ देता हूँ। खाने के डिब्बे से खुशबू आती रहती है। आधी छुट्टी के वक्त वो मुझे कक्षा में अकेला छोड़ जाती है, तब मेरा दिल बहुत घबराता है। मगर मेरे आसपास ऐमन की सहेलियों के बस्ते भी तो होते हैं। ऐसे में हम आपस में बातें करते हैं, हंसते गाते हैं, मगर मेरा दिल ऐमन में ही लगा रहता है। छुट्टी के वक्त ऐमन मेरी काफी दुर्गत बनाती है। छुट्टी की खुशी में सारा सामान मुझ में ठूस कर स्कूल से जल्दी घर पहुंचना चाहती है। उसकी भागदौड़ और उछल कूद से मेरी सांस फूल जाती है। घर आकर वो मुझे एक कोने में डालकर भूल जाती है और मैं दूर से उसे देखा करता हूँ। जैसे जैसे ऐमन बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे मेरा वजन भी बढ़ता जाता है। ऐमन मेरे बोझ से दबी जाती है। काश कोई मुझे और ऐमन को इस बोझ से आजाद करवाए। कहानी खत्म, मुझे और एक सुनिए, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी, एरवावी।